आज का श्लोक होगा अपना यज्ञ। दुनिया में रात दिन यज्ञ हो रहे हैं, स्वाहा स्वाहा बोला जा रहा है। इसमें भी आगे एक श्लोक आएगा तीसरे अध्याय में, अन्नाद भवंती भूतानि पर्जन्याद अन्न संभव है, यज्ञाद भवंती पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव है। अन्नाद भवंती यानी जितने संसार का जीव जगत है वो किससे पैदा होता है, अन्न से, अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्नाद भवंती भूतानि और पर्जन्याद अन्न संभव है, अन्न किससे पैदा होता है, वर्षा से, बिना बरसात के अन्न नहीं होता। पर्जन्य प्रजन्य मीन्स वर्षा, संस्कृत में बरसात को पर्जन्याद। पर्जन्याद अन्न संभव है और यज्ञाद भवती पर्जन्यो, वर्षा किससे होगी, यज्ञ से, बिना यज्ञ के बरसात नहीं होगी। अब बताओ, दो दिन पहले अखबार में आया था अफ्रीका 99% लोग मांसाहारी हैं, चलते हुए सांप को पकड़ के काकड़ी के जैसे खा जाते हैं, अपने यहाँ मूली खाते हो, और वहाँ इतनी बरसात हो रही है, यज्ञ वगैरह न वो यज्ञ को जानते हैं न आपके देवी देवताओं को जानते हैं, और इतनी बरसात हो रही है कि आपातकाल लगा हुआ है, आपातकाल लगाना पड़ा है। 14-15 राज्यों में बिजली ठप हो गई, भयंकर बरसात हो रही है। मतलब इस बार प्रकृति का जो संतुलन है ना वो बिगड़ा हुआ है बहुत बुरी तरह से। तुर्की में भूकंप आया, ये जो भूकंप वगैरह आते हैं ना इनसे भी वर्षा और क्लाइमेट पे पूरा प्रभाव पड़ता है। अब बताओ, उन्होंने यज्ञ किया ही नहीं, बरसात ऐसी आ गई कि आपातकाल लगाना पड़ा है, और इधर कह रहे हैं कि बरसात किससे होती है, यज्ञ से। तो उन्होंने क्या कर दिया ऐसा है? लेकिन ये एक महापुरुष कह रहे हैं कि यज्ञ कर्म समुद्भव, यज्ञ किन से उत्पन्न होता है, कर्मों से, कर्मों से यज्ञ होता है, न कि आग जला करके जोर तिल उठा करके डाल दो स्वाहा, अंदर तो पाप भर है, कह ठहर जा, अब अगर 1 लाख चुराया चाहे अगर 1.5 चुराऊंगा, आज 1 लीटर गिरे से काल 2 लीटर गिरे स्वाहा। तो भैया भीतर तो कुछ है नहीं, बाहर में प्रकाश, कहे कबीर कब तक रहेगी छपरा पर की घास, छपरे पे घास जम जाती है ना बरसात में, अब तो क्या जमेगी भाई, पहले छान होती थी उनपे बरसात में घास उग जाती थी। हाँ, तो वो भीतर तो है नहीं, उनका आधार मजबूत नहीं है, और बाहर में प्रकाश, बाहर घास दिख रही है, तो कितने दिन आस करोगे उसके। ऐसे ही यज्ञ की बात आ रही है, सर्वाणी इंद्रिय कर्माणी प्राण कर्माणी चापरे आत्म संयम योगाग्नो जोहुवती ज्ञान ज्ञान दीपिते। संपूर्ण इंद्रियों के व्यापार को, आपकी इंद्रियां व्यापार करती है, इंद्रियां तो जानते हो ना 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रियां, समझ रहे, 10 इंद्रियां है टोटल। 5 से तो ज्ञान होता है, आंख से देखते हो, कान से, नाक से सूंघते हो, ठीक, जिह्वा से स्वाद लेते हो, और त्वचा से स्पर्श करते हो। ये सबसे ठंडा है, गर्म है, मीठा है, खट्टा है, कैसा है, ये सारा ज्ञान इन 5 ज्ञानेंद्रियों से होता है, और 5 ही कर्मेंद्रियां हैं, समझ रहे हैं, हाथ पांव और उत्सर्जन करने वाले अंग आपके, ये सारे कितने हैं, 5, 1 मुंह, 2 उत्सर्जन और 1 ग्रहण। मुंह से तो आप ग्रहण करते हो, और 1 से मल और मूत्र त्यागते हो, ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। 10 इंद्रियां हैं, जो ही आंख ने देखा जलेबी, इनका राजा कौन है, मन, तो मन क्या करेगा, चल 2 खा ले, समझ रहे हैं, तो ये बड़ा खेल है, ये बहुत तगड़ा खेल है, इसमें सब फंसे हुए हैं हम, बुरी तरह से, एकदम बुरी तरह उलझे हुए हैं। तो संपूर्ण इंद्रियों के व्यापार को, मन की चेष्टाओं को, ज्ञान से प्रकाशित हुई आत्मा में संयम रूपी योगाग्नि में हवन करते हैं, यही क्या है, यज्ञ। मन में इच्छा हुई कि थोड़ी देर मोबाइल देख लूं, ये दिख रहा है इसलिए दिख गया, समझ रहे हैं, थोड़ी देर मोबाइल देख लूं, लेकिन यदि ये अग्नि आपके पास है कि नहीं मुझे पढ़ना है,
मेरे पिता, मेरी माँ, मेरे भाई ये सब आशा कर रहे हैं, हो सकता है मैं नौकरी लगी जाऊं तो मेरी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, ये संयम आप में जाग गया तो वो चेष्टा क्या हो जाएगी, हवन, वो क्या हो जाएगी। तो अपनी इंद्रिय रात दिन ये कर्म करती है, आपको फोटो भी नहीं, स्वप्न में भी कभी कभी कोई कुत्ता दौड़ा लेता है, कभी शेर दौड़ा लेता है, कभी ट्रक आता हुआ दिखता है, हट ही नहीं पाते हैं, मन ऐसे सोचते हैं कि भागे घूमते हैं, लेकिन पैर उठते ही नहीं है, साथ ही नहीं देता शरीर, क्यों सोते हुए पड़े हैं ना। नींद निशानी मौत की, ये मौत की बहन है नींद, वैसे जरूरी भी है, लिमिट में है तो हमारे शरीर के लिए आवश्यक खुराक है ये, और उससे ज्यादा ज्यादा तो भाई नुकसान ही नुकसान है। अब कितने बजे कोई कोई उठे लेट, जना पूछू भाया कि लेट क्यों उठ रहा है, तो वो कहे नहीं गुरु जी मैं 1 बजे तक जाग रही हूँ। 1 बजे तक नहीं जागना है, रात तो सोने के लिए बनाई है लेकिन नियमित, ठीक है ना, उस पे बाद में चर्चा करेंगे। तो इन इंद्रियों के व्यापार को, जो इंद्रियां देख रही है कर रही है इसको, और मन की चेष्टाओं को यदि आप संयम रूपी अग्नि में हवन कर देते हैं तो यही क्या कहलाएगा, यज्ञ। ये यज्ञ बताया है गीता में, दूसरा एक और यज्ञ बताया है यज्ञ नाम जप यज्ञोस्मि, वो आगे आएगा 10वें अध्याय में। आगे और देखो, अपाने जुहति प्राणम, प्राणे अपानम तथा परे प्राणापान गति रुद्वा प्राणायाम परायणः। मतलब बहुत से योगी श्वास को प्रश्वास में हवन करते हैं, जो श्वास हम ग्रहण करते हैं ना अंदर लेते हैं उसको प्राणवायु कहा जाता है, क्या कहा जाता है, विज्ञान में भी कहते हैं ये प्राणवायु, श्वास अंदर लेते हैं उसको, और जो छोड़ते हैं उसको प्रश्वास, क्या कहते हैं उसको, प्रश्वास, श्वास और प्रश्वास। तो बहुत से योगी श्वास को प्रश्वास में हवन करते हैं और बहुत से प्रश्वास को श्वास में हवन करते हैं, इससे उन्नत अवस्था होने पर श्वास और प्रश्वास की गति को रोककर वे प्राणायाम के परायण हो जाते हैं। इस प्रकार योग साधना की विधि विशेष का नाम ही क्या है, कभी सुना होगा आपने, तेरी हीरा जैसी श्वासा रे बातों में बीती जाए, ऐसे ही थोड़े कहा हुआ है, किसी महापुरुष का कहा हुआ है। कभी कभी ये भी सुना होगा, श्वास श्वास में नाम कहो वृथा श्वास जनित होए, न जाने इस श्वास का आना होए या ना होए। ये श्वास ही सबसे बड़ा यज्ञ है आपका, कारण क्या है, बारीकी में जब जाओगे ना, जब देखोगे, जाना तो पड़ेगा भाई, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, नहीं तो किसी जन्म में। भगवान बुद्ध को 200 जन्म लगे, महावीर स्वामी को 24 जन्म लगे, तो हमें तो कितने ही लग सकते हैं। तो तब आपको इस बात का पता चलेगा कि इस श्वास से जो हम अंदर श्वास लेते हैं ना, तो जैसा वातावरण होता है ना वैसी वृत्ति हमारे अंदर उठती है, जिस वातावरण में हम होते हैं। मंदिर में होते हो तो आपके विचार अलग ही होंगे, देख लो, किसी आश्रम में होगे तो और ही अलग विचार होंगे, और यदि आप लोग कहीं नाच गाने में, कहीं शराब के ठेके के पास, या कहीं ऐसी जगह होगे, या आप कहीं कभी कभी देखना आप कहीं आए हो और आते ही आपको बेचैनी से महसूस होगी, तो आप सोचोगे यार कोई झगड़ा तो नहीं हुआ, यहाँ जरूर पूछ लोगे यदि आप थोड़ा गंभीर हो तो, और जब आपने मतलब ही नहीं कोई तो कहीं के लिए पूछ लो, कहीं के लिए करो, तो जरूर आप स्थिर हो तो पता करोगे कि यहाँ आप लोग झगड़ा तो नहीं हुआ, यहाँ क्या बात हुई है, कोई अनहोनी तो नहीं हुई है, पूछ लेते हैं ना कौन बोलता है ये बात, वातावरण। और वातावरण को ग्रहण किससे करते हैं, श्वास के माध्यम से, जो संकल्प वातावरण में होते हैं वो हमारे अंदर प्रवेश करते हैं, इसीलिए एक शब्द कहा गया स्थानम प्रधानम, हर जगह अपनी जगह प्रधान होती है। तो इसको ये क्या करते हैं योगी लोग, बहुत से योगी श्वास को प्रश्वास में हवन करते हैं, मतलब अंदर बाहर के संकल्पों को अंदर ग्रहण नहीं करते, उनमें क्षमता आ जाती है, और अंदर के संकल्पों को बाहर नहीं छोड़ते, हवन कर देते हैं उनको, ग्रहण नहीं करते, उनको भस्म कर देते हैं संयम रूपी अग्नि के द्वारा। और ऐसा करते करते एक अवस्था ऐसी आती है जिसका नाम क्या हो जाता है, प्राणायाम, प्राणों पर विराम लग जाता है, यही प्राणायाम कहलाता है, प्राणों का व्यापार बंद हो जाता है, आपकी सोच दूसरे को प्रभावित करे, दूसरे की सोच आपको प्रभावित करे, इस पर स्टॉपेज लग जाता है, रोक लग जाती है, उसी का नाम क्या है, प्राणायाम। और यही क्या है, यज्ञ, न कि आप जो डालो तिल डालो या वस्तु या सामग्री जलाने से, आपके शास्त्र नहीं कह रहे, अब आप इतने दिन तक कर रहे थे, मैं बता रहा था आपको कि सत्य क्या होता है, कड़वा, बहुत लोगों को बुरा भी लगेगा,
लेकिन ये मैं नहीं कह रहा, मैंने पढ़ा है, आप लोगों को बता रहा हूं, समझ रहे हैं ना। किसी महापुरुष ने जिनके नाम पे कर रहे हो ना, न रामायण में, रामायण भी अब बहुत बड़ा लंबा चौड़ा रह गया अपना टॉपिक, ये नहीं है, नहीं तो रामायण में भी इसके समकक्ष चौपाइयां मैं आपको बताऊं कि ये देखो समान एकदम, किसी भी महापुरुष का किसी ने नहीं कहा ये, सबने अपने मन से मनगढ़ंत तो, अच्छा जो भी बोल रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, माई के लाल ने पढ़ा, एक ने भी नहीं, क्या किया है, सुना है, अरे यार उसमें तो ऐसे लिखा है, अरे उसमें तो ऐसे लिखा है, और पढ़ाए तो कंसेप्टली नहीं पढ़ाए, कंसेप्टली मतलब एक श्लोक दूसरे श्लोक से जुड़ा हुआ है, जितने भी शास्त्र है ना उनके सब चौपाइयां श्लोक क्रमबद्ध हैं, सिक्वेंसली उनका कुछ ना कुछ मतलब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, किसी संदर्भ में कही गई है, किसी के लिए ऐसे ही उठा करके हम बोल देते हैं उनको, तो ये समाज के लिए नहीं है, ये जीव के कल्याण के लिए है। देखो कर्म क्या है, एवं बहुविधा यज्ञ वितता ब्रह्मणो मुखे कर्म जान विद्धि तान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्ष से। कर्म क्या होता है, एवं ज्ञात्वा विमोक्ष से, जिसको जानकर आप विशेष रूप से मुक्त हो जाए। अब जितने भी हम कर रहे हैं वो सब कर्म ही तो कर रहे हैं ऐसा सोचते हैं, देखो इसका अर्थ देखो पहले, इस प्रकार बहुत से यज्ञ, कैसे यज्ञ, जैसे श्वास का प्रश्वास में हवन, प्रश्वास का श्वास में हवन, श्वास प्रश्वास की गति को रोककर प्राणायाम के प्रायण होना, इत्यादि यज्ञ जिस आचरण से पूर्ण होते हैं उस आचरण का नाम ही कर्म है, उस आचरण का नाम ही कर्म है। अर्थात कर्म माने आराधना, कर्म माने चिंतन, योग साधना की एक पद्धति का नाम ही यज्ञ है, और यज्ञ ही कर्मों से होता है, यज्ञ किन से होता है, कर्मों से। और तीसरे अध्याय में ही शुरू में ही श्लोक है, दो तीन के बाद में आठ दसवां होगा, यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोको एवं कर्म बंधन है, यज्ञ के अलावा जो कुछ भी कर रहे हो वो सब का सब कर्मों का बंधन है, वो तो मजबूरी है आपकी, कुत्ता बनेगा तो भौंकेगा ही, मजबूरी है ना उसकी, वो राम राम थोड़ी करेगा आपसे, वो तो अपनी भाषा में ही बोलेगा, तो वो क्या है उसकी मजबूरी, बंधे हुए हैं सबके सब। इसी तरह से और बाकी विशेष है विकर्म, विकर्म का अर्थ विकल्प शून्य कर्म है, प्राप्ति के पश्चात महापुरुषों के कर्म विकल्प शून्य होते हैं, आत्म स्थित आत्म तृप्त आत्म काम महापुरुषों को न तो कर्म करने से कोई लाभ है, कर्म का मतलब आराधना, कर्म का मतलब, तो उनको न तो कर्म करने से कोई लाभ है, अब आराधना उनके लिए जरूरी नहीं है, और न छोड़ने से उनको कोई हानि है, फिर भी वे पीछे वालों के हित के लिए कर्म करते हैं, ऐसा कर्म विकल्प शून्य है, विशुद्ध है, और यही कर्म क्या कहलाता है, विकर्म कहलाता है। यज्ञ करने का अधिकार किसे है, यज्ञ शिष्टा अमृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातन नायम लोकोस्ते यज्ञ से कुतो अन्य पुरुष सप्तम, मतलब यज्ञ न करने वालों को दोबारा मनुष्य शरीर भी नहीं मिलता, यज्ञ मतलब आराधना, यज्ञ मतलब बुरे संकल्पों को ग्रहण न करना और अपने संकल्पों को दूसरे पे थोपना नहीं, ये है क्या यज्ञ या कर्म। इसीलिए यज्ञ करने वालों को न तो मनुष्य शरीर ही मिलता है, अर्थात यज्ञ करने का अधिकार उन सबको है जिन्हें क्या मिला हुआ है, बस इतना इसके आगे का।